चलो स्टार्ट हो गया तो, आ जाओ तो ए से बी तक का जो पॉइंट था ये स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं था हुक्स तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है लेकिन बॉडी अपनी इलास्टिसिटी को बचा के रखे हुए था अप टू बी तक बॉडी अपनी इलास्टिसिटी को बचा के रखे हुआ था तो ये पूरा रीजन ओ से लेकर के ये ओ से लेकर ये पूरा बी तक का रीजन इलास्टिक रीजन होगा ये पूरा से ए तक इलास्टिक होगा क्योंकि हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है ए से भी तक फॉलो नहीं करता है बट फिर भी बॉडी अपने आप को रिकवर कर जाता है जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दोगे तो बॉडी रिकवर कर जाता है बी के बाद कोई भी पॉइंट कर कर लो लो आप सी डी कंसिडर कर लो ई कंसिडर कर लो बॉडी e प्लास्टिक रीजन या बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो गया ठीक है बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो चुका है अब वो लौट के अपने फेज में वापस नहीं आता है ठीक है यही था डी और ई के बीच में मैंने आपको बताया था जिसका प्लास्टिक रीजन छोटा रहेगा वो बिटल uh, कहलाएगा जिसका प्लास्टिक बड़ा रीजन आएगा वो डकटाइल कहलाएगा बड़ा इन द सेंस कि भाई वो थोड़ा सा ना फाइट कर रहा है वो स्ट्रगल कर रहा है कि भाई उसमें थोड़ा सा लचीलापन ज्यादा है ये होता है ठीक है इसमें मैंने एक क्वेश्चन किए थे ठीक है ये मैंने क्वेश्चन किया था है ना? ये सबको समझ में आ गया था ना ये क्वेश्चन चलो आ जाओ आगे देखते हैं हुक्स लो ये सब हो गया था ओके यंग्स मॉडल्स हाँ मैंने एक बात और बताई थी आप लोगों को इस चीज को आपको ध्यान में रखना हम जो मॉडल्स पढ़ रहे हैं ना वो मॉडल्स पूरा तरह से हमें ओस ए तक के लिए वैलिड होता है ये तीनों मॉडल्स जो होते हैं ये मॉडल्स पूरी तरह से ओ से रीजन तक के लिए वैलिड होते हैं ये जो रीजन होता है ना ठीक है ये जो मॉडल्स हम अभी अभी पढ़े हैं ना तीन मॉडल्स हमने पढ़ा ना तीनों मॉडल्स जो होता है ना वो सिर्फ ए तक के लिए वैलिड होता है क्यों मॉडल्स को आप कैसे डिफाइन करते हो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन देखो क्या इसमें ये जानना बहुत जरूरी है मॉडल्स को आपने क्या बोला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बोला होगा यानी कि ये कोई कांस्टेंट नंबर आता था ये कांस्टेंट नंबर कैसे आता था क्योंकि स्ट्रेस जो होता था वो प्रोपोर्शनल होता था स्ट्रेन के तो ये स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाला रीजन तो ए ही है ना इसके बाद तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता नहीं है तो तीनों मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना तीनों मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडल्स सियर मॉडल्स और बल्क मॉडल्स तीनों के तीनों ए तक ही डिफाइन होंगे एक बार डिफाइन नहीं होंगे क्योंकि एक बाद तो ये प्रोपोर्शनलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना इस प्रोपोर्शनलिटी की वैलिडिटी जो है, वो ए है तो तीनों जो है वो ए तक ही है ऐसा नहीं वैलिड होता है क्योंकि ए तक ही स्ट्रेस जो होता है, वो तक ही होता है हम इस प्रोपोर्सनैलिटी को हटा करके कॉन्स्टेंट दे रहे होते हैं और इस कॉन्स्टेंट को मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं और फिर हमने इसको तीन तरह से डिफाइन किया था क्लियर समझ में आ गया इसको तो मैंने मिटा दिया था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है तो मैं जब तीनों को डिफाइन कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये ओ से ए तक डिफाइन होगा ये देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है तीनों मॉडल्स ऑफ फ्लेक्टिसिटी ओ से ए तक के लिए डिफाइन हुआ क्योंकि ओ से ए तक ही हुक्स लॉ फॉलो कर रहा होता है उसके बाद फॉलो नहीं करता है हुक्स लॉ की वजह कि मॉडल्स ऑफ फ्लेक्टिसिटी आता है हुक्स लॉ का ही कॉन्स्टेंट तो मॉडल्स ऑफ फ्लेक्टिसिटी होता है ओके okay, और क्या था हाँ बल्क मॉडल में एक निगेटिव साइन आता है ना बल्क मॉडल्स के फॉर्मुले में हमेशा एक निगेटिव साइन आता है ये क्लियर है सबको बल्क मॉडल्स के फॉर्मुले में हमेशा ठीक yes, है किसी को डाउट नहीं है ना चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं आ जाओ इसके बाद क्या था बल्क मॉडल्स हाँ ये सवाल मैंने पूछा था भाई किसी का कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो उस मेटल में क्या रिलेशन होता है तो जिसका कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होता है वो मेटल ज्यादा कॉम्प्रेस हो सकता है ठीक है दोनों पे आप फोर्स सेम लगाए होगे ना फोर्स सेम लगाया होगा तो जिसकी कम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा कंप्रेस होगा ठीक है बस इसका ही मेटल टू इज मोर कंप्रेसिबल अगर मेटल टू का कंप्रेसिबल मैं लैब में ले गया मेटल वन को मेटल टू को मैं लैब में ले गया लैब में ले जाकर करके मैंने उसका बल्क मॉडल निकाला बल्क मॉडल्स को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो बल्क मॉडल्स का रेसिप्रोकल मुझे कंप्रेसिबिलिटी देता है तो मेटल टू की कंप्रेसिबिलिटी अगर ज्यादा आ गई सपोज करो ज्यादा आ गई तो हम ये बोलेंगे कि मेटल टू इज मोर कम्प्रेसिबल फॉर द सेम फोर्स देन मेटल वन फॉर द सेम फोर्स ठीक है मेटल टू जिसकी कम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा कॉम्प्रेसिबल होगा दैट्स इट उसके बाद मैंने क्या ये क्या है भाई हाँ, ये रेशियो है अगेन मैंने आपको बताया था पॉइजन रेशियो में भी एक निगेटिव साइन आएगा फिर यहाँ पे एक निगेटिव कहाँ गया पॉइजन हाँ ये रहा ये देखो यहाँ पे फिर एक निगेटिव साइन आया हुआ है तो ये निगेटिव साइन क्यों आएगा क्योंकि डेल्टा डी जो है ना ये वाला डेल्टा डी जो है ना ये अपने साथ एक निगेटिव लेके आएगा ही आएगा ये फोर्स योर है हंड्रेड परसेंट ये डेल्टा डी जो है ना एक निगेटिव लेकर के आएगा तो हमने पहले से एक निगेटिव को बैठा रखा है अब डेल्टा डी एक निगेटिव लेकर के आ रहा है तो ये निगेटिव जो डेल्टा डी लेकर के आया और जो पहले से मैंने एक बैठा रखा था दोनों कैंसिल कर देगा और अल्टीमेटली हमारा पॉइजन रेशियो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा जो हम चाहते हैं कि हमारा रेशियो जो है ना जितना मॉडल है वो सारे पॉजिटिव है ठीक है दैट्स वही माइनस साइन का वही सिग्निफिकेंस है और कुछ नहीं है ठीक है चलो देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है निगेटिव साइन निगेटिव साइन एंश्योर्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रेशियो रेशियोज रेशियो का पॉजिटिव वैल्यू एंश्योर करता है निगेटिव साइन ठीक है फोर्स हम इधर लगा रहे थे हमारा डायमीटर का चेंज इस डायरेक्शन में हो रहा था तो हमने इसको लेट्रल स्ट्रेन बोला था फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो चेंज हो रहा है इस वाले चेंज को हमने लेट्रल बोला था और पॉइजन ने बोला कि भाई लेटरल जो होगा ना वो लॉन्ग के प्रोपोर्शनल होगा ये पॉइजन ने बोला था ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो चेंज होता है वो कहलाता है। lateral बस है, कोई फिजिक्स नहीं है फोर्स के के डायरेक्शन के के <coughs> और परपेंडिकुलर और क्या लैटरल स्ट्रेन लेटरल टू लॉन्गी स्ट्रेन ये हमारा पॉइजन ने कहा था इसको भाई

रेडियस आर है इसका यंग्स मॉडल्स वाई वन है एक दूसरा वायर है इसका भी लेंथ एल है रेडियस आर है बट यंग्स मॉडल्स डिफरेंट है यंग्स मॉडल्स डिफरेंट क्यों है तो यंग्स मॉडल्स जो होता है ना वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है अगर आपने मटेरियल दूसरा ले लिया तो यंग्स मॉडल्स दूसरा हो जाएगा क्लियर या या दीपक सही सही ठीक है यंग्स मॉडल्स जो होता है ना वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है मैंने दो ऐसे वायर्स लिए हैं जिनका लेंथ सेम है और रेडियस सेम है ठीक है उसमें क्या किया मैंने फोर्स लगाया ठीक है मैं फोर्स लगाऊंगा दोनों में सपोज करो इसमें चेंज फोर्स मैं सेम लगा रहा हूँ ना सेम फोर्स लगा रहा हूँ सपोज करो इसमें डेल्टा एल वन का चेंज आया सपोज करो इसमें डेल्टा एल का चेंज आया ठीक है क्लियर अब सवाल क्या कर रहा है आप इन दोनों को कंबाइन कर दो सवाल ने बोला कि इन दोनों को आप कंबाइन कर दो ये जेई का सवाल है ये एल था और ये एक एल था ठीक है अगेन हम एक फोर्स लगाएंगे सेम फोर्स लगाएंगे ठीक है आपसे ये पूछ रहा है अब इसको आप सिंगल एक सिंगल ये क्या हो गया एक सिंगल रॉड हो गया एक सिंगल वायर हो गया दो अलग अलग वायर थे दोनों को हमने क्लब कर दिया ये दो वायर्स हैं मैं ब्लैक कश्मीच के पास गया लोहार के पास बोला कि भाई दोनों को बेल्डिंग कर दो तो, दोनों को बेल्डिंग कर दिया बेल्डिंग करने के बाद ये मेरा एक सिंगल सिंगल वायर बन गया सिंगल वायर बन गया तो इसका लेंथ एल था इसका लेंथ 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 था, दोनों मिला के अब इसका 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 कितना हो गया? इसका हो गया? गया रेडियस डबल हो जाएगा क्या बताओ ठीक yes, है रेडियस डबल नहीं होगा रेडियस डबल क्यों होगा अगर वायर वायर का लेंथ दोनों को अगर मैं अगर मैं बेल्डिंग कर रहा हूँ तो दोनों का लेंथ तो एल प्लस एल ट्वेल्व होगा बट ये जो रेडियस है ये रेडियस क्यों चेंज करेगा दोनों वायर का नहीं चेंज करेगा ठीक है ओके okay, गुड और ये जो नया रॉड बना ना ये जो दोनों मिलाकर के एक नया रॉड जो बना इन दोनों नए रॉड का आपको यंग्स मॉडल्स निकालना है ये क्वेश्चन है जो नया रॉड जो बना नया रॉड में आप कुछ नया चेंज आएगा ठीक है तो इन दोनों का एक कंप्लीट एक आपको यंग्स मॉडल्स बताना था

जब आपने कंबाइन किया उस आ, उसके लेंथ में डेल्टा एलिनेट का चेंज आया ठीक है बनाने का इसका बनाने का फॉर्मूला क्या है सिंपल एक 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 फॉर्मूला बस जो दोनों वायर को जब आपने जोड़ा था तो इसमें जो भी चेंजेस आएंगे ना एक सिंगल वायर हो गया इसमें जो भी चेंज आएगा आपने फोर्स से इलांगेट किया इसको जो भी इसमें चेंज आएगा वो इसके अकेले के चेंज के और इसके अकेले के चेंज के सम के बराबर होगा ठीक है दैट मीन्स हमारा डेल्टा एल नेट दोनों को जोड़ने के बाद जो चेंज आया होगा वो डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू के बराबर होगा इंडिविजुअल चेंज के सम के बराबर होगा पहला वाला जितना चेंज करेगा प्लस दूसरा वाला चेंज करेगा मिला करके पूरा रॉड चेंज करेगा सिंगल रॉड टू एल लेंथ वाला ये डेल्टा एलवन एल लेंथ डेल्टा एल टू एल लेंथ डेल्टा एल डेल्टा एल नेट टू एल, एल लेंथ ठीक है इसका लेंथ जो था ना ओरिजिनल लेंथ था इसका लेंथ भी ओरिजिनल एल था इसका लेंथ टू एल हो चुका है ठीक है इसका यंग्स यंग वाई वन था इसका यंग्स यंग वाई टू था इसका यंग्स मैंने यंग माना हुआ है जो मुझे निकालना है इसका रेडियस आर है इसका भी रेडियस आर है इसका रेडियस भी आर ही होगा जब हम दोनों को क्लब कर देंगे तो रेडियस चेंज नहीं करेगा लेंथ चेंज करेगा रेडियस क्यों चेंज करेगा okay. बस यही आ गया अब आपको डेल्टा एल वन पता होना चाहिए डेल्टा एल टू पता होना चाहिए डेल्टा एल नेट पता होना चाहिए वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा चलो आ जाओ ये निकालते हैं मेरे पास जो यंग्स मॉडल्स का क्या है यही है ना ठीक है यहां से हम डेल्टा एल का वैल्यू निकाल लेते हैं डेल्टा एल का वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये कुछ आएगा एफ वाई ए वाई टू एल ये आएगा ठीक है चलिए डेल्टा जनरल फॉर्मूला है और नेट निकालूंगा इस फॉर्मूला की मदद से यह फॉर्मूला क्या है क्या करूंगा एलवन निकालूंगा एलेवन में क्या लेंथ आएगा इस फॉर्मूला को यूज करके मैं एल टू में निकालूंगा इस फॉर्मले का यूज करके और डेल्टा एल नेट निकालूंगा इस फॉर्मले को तो निकालते हैं डेल्टा L1 की वैल्यू जो होगी ना वो होगी फोर्स फोर्स सेम लग रहा है देखो एफ एफ सेम है लेंथ लेंथ सेम है, आड, आड सेम है, वाई वन वाई टू सेम है, है। थोड़ा सा गलत कर रहे हो थोड़ा सा गलत आप बता रहे हो डी नहीं डी नहीं होगा डी नहीं होगा दीपक डी दी नहीं होगा गलत बताया आपने डी नहीं होगा आ जाओ आ जाओ जाओ सॉल्व करते हैं बहुत हल्का सवाल है मतलब मतलब जेई में इससे हल्का सवाल तो आप क्या ही उम्मीद करते हो जेई में ठीक है मतलब जेई का सबसे हल्का सवाल है रद्दी इसको तो पूछना नहीं चाहिए था एफ सेम है लेंथ सेम है एरिया सेम है क्योंकि रेडियस सेम है

और यंग्स मॉडलर्स को मैंने वाई मान रखा है यही वाई मुझे फाइंड आउट करना है दिस वाई टू वॉट आ जाओ वैल्यू पुट करो डेल्टा एलनेट की वैल्यू पुट करो भाई डेल्टा एलनेट कहाँ है ये है ना हाँ पुट करो वैल्यू एफ इंटू टू एल डिवाइडेड बाई ए वाई ये वाई मुझे निकालना है एफ इंटू एल डिडेड बाई ए वाई वन ठीक है देखो तो एफ ए और एल एफ ए एल यस या दीपक राइट सोचो यार कितना हल्का सवाल है जेई का यहां से इस वाई की वैल्यू आ गई टू बाई वाई इक्वल्स टू वन बाई वाई वन प्लस वन ओवर वाई टू ठीक है इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा वाई वन वाई टू वाई वन प्लस वाई टू इसको आप उल्टा कर दोगे वाई को ऊपर दो को नीचे लेकर गया हो, तो ये कुछ आ जाएगा आपका वाई बाई टू इक्वल्स टू वाई वन वाई टू बाई ठीक है यहां से अगेन आप वाई का आंसर आ जाएगा दिस इज आंसर ठीक है क्लियर कोई डाउट है तो पूछो किसी को क्लियर है सबका बताओ अंकिता हिमांशु संध्या बताओ ग्रेसी नरेंद्र ओके दीपक बताओ भाई हर्षिता शिवानी नरेंद्र ठीक है इससे मतलब इससे हल्का सवाल तो जय क्या एक्सपेक्ट करोगे दम एकदम बच्चा वाला सवाल पूछ दिया था इससे ज्यादा इससे कहीं ज्यादा हार्ड सवाल एनसीआरटी का सवाल है उसको आप लोग सॉल्व करना यही पे कॉन्सेप्ट यही है ना इसका कॉन्सेप्ट ये है बस ये अगर समझ में आ रहा है ना जो इंडिविजुअल चेंज होता है उसका सम जो होता है ना वो पूरे वाले लेंथ में रिफ्लेक्ट होता है इंडिविजुअली जो चेंज हुआ दोनों का जो इंडिविजुअल चेंज हुआ वही मिला के अगर दोनों रोड को आपने एक कर दिया था तो उसका भी चेंज दोनों का सम होता है ठीक है चलो आ जाओ एक और सवाल देखते हैं सीएम मॉडल्स पे एक दो सवाल देख लेते हैं बल्क मॉडल्स पे चलो बताओ फोर चलो इसको रहने दो आइडियल लिक्विड के लिए आइडियल लिक्विड हम अगले क्लास में बताएंगे आइडियल लिक्विड आइडियल लिक्विड जब आप फ्लूड पढ़ने जा रहे हो ना अगले क्लास में इस सवाल को नोट करके रखना इस सवाल को हम लोग वहां सॉल्व करेंगे आइडियल आइडियल लिक्विड लिक्विड क्या होता है? जो का जो होता है है जो जो का ना चार तरह आइडियल लिक्विड में चार एजम्स सम्मान के चलते हैं फोर एजम्स ठीक है यस yes, इनकॉम्प्रेसिबल और बताओ भाई बताओ पढ़े हो फ्लूड कोई बताओ नॉन विस्कस ठीक है और बताओ <coughs> रोटेशनल और ये तीन है तीन तो पढ़े ही होंगे मुझे पता है तीन तो सबने पढ़ा होगा एक इसका स्ट्रीम फ्लो होता है हाँ फ्लो इसका जो होता है ना वो स्ट्रीम होता है तो ये चार जम्पन जब आप पढ़ोगे ना तो आप इस सवाल को सॉल्व कर लोगे ठीक है क्लियर इसको हम अगली क्लास में जब आप फ्लूट पढ़ोगे ना तो मैं इस सवाल को सॉल्व करा दूंगा बढ़िया सवाल है रीजनिंग का बेहतरीन सवाल है ये ये सब चीज बनाओ तो दिमाग आपका खुलता है ये रीजनिंग का एक सवाल है अगेन ये क्या है वाट इज अवेलेबल हाँ चलो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है ना तो बेसिकली देखो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब होता है बल्क मॉडल जो होता था बल्क मॉडलिट एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा बी बाई वी होता है क्लियर ये फॉर्मूला याद है ना यहाँ माइनस साइन लगा होता है तो वाट इज डेल्टा भी ठीक है डेल्टा भी क्या होता था डेल्टा भी क्या होता था जो कम्प्रेस हो जाए डेल्टा भी क्या होता है जिसको आप कंप्रेस करोगे तभी तो उसमें कुछ वैल्यू चेंज होगा तभी तो उसमें चेंज आएगा डेल्टा भी क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल और कंप्रेसिबल 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 का मतलब होता है फॉर 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 यस सॉरी इसने बोला है कि इनकॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब है वो जो लिक्विड आपने ले रखा है ना वो लिक्विड कभी कंप्रेस होगा ही नहीं उसको आप जितना फोर्स लगा लो ये एक आइडियल कंडीशन है ये एक आइडियल कंडीशन है रियल में ऐसा लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में ऐसा ऐसा कोई लिक्विड लिक्विड नहीं नहीं है है जिसको हम कंप्रेस ना कर सके। ऐसा नहीं करता बट आइडियली आपको मान के चलना है। अगर उसने लगा दिया ना ये चलना जैसे ही उसने बोला ये है। ये है ना, में पानी अगर है। तो ये पानी कॉम्प्रेसिबल होता है रियल वर्ल्ड में फोर्स लगा करके इसको और कंप्रेस कर सकता हूँ बट ये एक आइडियल सिचुएशन आपके सामने दिया गया भाई मान लो कि लिक्विड इनकंप्रेसिबल है इस पानी को मैं कंप्रेस नहीं कर सकता हूं अगर इसमें पानी को इसने बोल दिया इनकंप्रेसिबल है मतलब मैं कितना भी फोर्स लगा लू इसमें इसके में कोई चेंज नहीं आने वाला है ठीक है यस yes. तो डेल्टा भी जो हो गया ना फॉर फॉर लिक्विड फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फॉर इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो क्लियर कोई चेंज नहीं आएगा वो इनकम्प्रेसिबल है ना चेंज क्यों आएगा सवाल बोल रहा है आपका क्वेश्चन बोला कि भाई जो भी लिक्विड आप ले रखे हो वो इनकम्प्रेसिबल है जो जितना फोर्स लगाना है लगा लो आप उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हो डेल्टा भी में कोई चेंज आएगा ही नहीं ये क्वेश्चन बोल रहा है ये आइडियल कॉन्सेप्ट है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ऐसा होता नहीं है ऐसा कोई लिक्विड नहीं है जिसको मैं कॉम्प्रेस ना कर सकू ठीक है तो अब इसने क्या बोला डेल्टा भी इक्वल्स टू जीरो चलो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा फिर बल्क मॉडुलस फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय जीरो जीरो बाय वी अल्टीमेटली क्या आया समथिंग बाय जीरो आ गया समथिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बाय जीरो आ गया इसका बल्क मॉडुलस इंफिनिटी आ गया ठीक है क्लियर क्लियर अब इसी बल्क मॉडल से आप कॉम्प्रेसिबिलिटी निकालो इसका कॉम्प्रेसिबिलिटी कितना आ जाएगा इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी कितनी आएगी भाई बताओ वन बाई इन्फिनेटिव वन बाई इन्फिनेटिव जीरो होता है यानी उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी जीरो है ठीक है तो मैंने आपको बताया ना अगर दो लिक्विड है एक का जिसका कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होता है वो ज्यादा कॉम्प्रेस होता है इसका तो कॉम्प्रेसिबिलिटी ही नहीं है ये कॉम्प्रेस कहां से होगा मैंने क्या बोला था अगर आपने दो लिक्विड ले रखा है एक लिक, लिक्विड की कॉम्प्रेसिबिलिटी सपोज करो कि हंड्रेड आ गई हंड्रेड और दूसरे की 90 आ गई तो मैं बोलूंगा दिस लिक्विड लिक्विड इज मोर कॉम्प्रेसिबल स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या मुझे तो दिख रही है स्क्रीन क्लियर है ना भाई बताओ मुझे तो साफ साफ दिया रेड, रेड पेन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है क्या चलो आ जाओ मैं रेड पेन नहीं यूज करता हूँ हाँ क्लियर है Clear है लड्डू आप थोड़ा सा अपना तो अगर किसी लिक्विड की कॉम्प्रेसिबिलिटी कॉम्प्रेसिबिलिटी किसी की हंड्रेड आ गई ठीक है और किसी की नब्बे आ रही है तो आप क्या बोलोगे दिस इज मोर कॉम्प्रेसिबल दिस इज लेस कॉम्प्रेसिबल ठीक है इसकी हंड्रेड आप समझोगे कि किसी लिक्विड का हंड्रेड आ गया और दूसरे का अस्सी आया किसी का हंड्रेड आया दूसरे का पचास आ रहा है तो ये तो लेस कॉम्प्रेसिबल कम्पर, होता जा रहा है ना ये किसी का हंड्रेड आया किसी का जीरो आ गया तो ये तो कंप्रेस होगा ही नहीं नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है तो जिसका बल्क मॉडल इंफिनिटी है उसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो क्लियर चलो ठीक है ठीक है दो हो गए इसका सवाल ये एक बढ़िया सवाल है लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा अभी अभी छोड़ो इसको अच्छा है आप लोग रन लो दो। चलो आ जाओ डेरिवेशन करते हैं इस सवाल में क्लियर है ना सबको ये जेई का देखो ये जो सवाल था ना इसका एनसीआरटी का सवाल देखो यहाँ पे है NCRT का सवाल कहा गया आ, नहीं ये तो जेई का है ना इसी का एक सेम एन का सवाल था आ, ये देखो ये एनसीआरटी का सवाल है ये सी का सवाल है सेम सवाल है एक स्टील वायर था एक कॉपर वायर है दोनों को ऐड कर दिया गया ठीक है क्लियर इसका मौ, यंग्स कुछ वाई ऑफ कॉपर होगा इसका यंग्स मॉडल्स वाई ऑफ स्टील होगा क्लियर इसमें लेंथ कितना है एक का लेंथ 2.2 है कॉपर का और इसका है उस वाले सवाल में देखो कितना हल्का कर दिया जेई ने कितना हल्का कर दिया इसने लेंथ लेंथ भी डवल, भी डबल डिफरेंट ले लिया और जेई ने तो लेंथ भी सेम कर दिया रेडियस सेम है दोनों का रेडियस सेम है ये भी थ्री एम mm का रेडियस है और ये भी थ्री एम एम का रेडियस है नेट इलोंगेशन दे दिया पॉइंट सेवन तो पॉइंट सेवन एम एम का नेट ठीक है ऑप्टेन द लोड इस बार एफ निकालना है करना इसको ट्राई करना फिर मैं बताऊंगा इसको ठीक है कभी और आगे कभी मिलते हैं तो हम बताएंगे इसको बट ये बढ़िया सवाल है देखो एनसीआर का सवाल एज इट इज जेई उठा के दे देता है और इसका भी हल्का वर्जन पूछता है ऐसा नहीं कि यही हार्ड वाला पूछा बहुत हल्का कर दिया इसको तो उसने डेटा आपको डेटा आप सॉल्व नहीं करना वो तो रीजनिंग का सवाल हो गया चलो तो ये स्टील क्यों स्टील क्यों प्रेफर करते हैं कॉपर की जगह पे भाई यंग्स मॉडल स्टील का ज्यादा होता है एक तो ये है यंग्स मॉडल स्टील का ज्यादा होता है यंग्स मॉडल्स ऑफ कॉपर से बट ये यंग्स मॉडल्स आता कैसे है आखिर जब आप आखिर स्टील का यंग्स मॉडल कॉपर से ज्यादा आया होगा तो आखिर वो कैसे आया होगा आखिर आपने आपने कैसे निकाला होगा इसको तो निकालने के लिए कुछ चीजों जब आप कंपेयर कर रहे हो बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं ना हम यंग्स मॉडल्स स्टील और कॉपर का कम्पेयर कर रहे हैं तो जब हम कुछ कंपेयर कर रहे होते है ना तो कुछ चीजों को हमें फिक्स करना होता है कुछ पैरामीटर्स ठीक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अगर हम कम्पेरिजन करेंगे तो लियोनल मेसी के साथ करेंगे ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हम आमिर खान के साथ आमिर खान के साथ करने जा रहे हैं ठीक है विराट कोहली का रोहित शर्मा के साथ करेंगे भाई वो कितना रन बनाया वो ज़्यादा बनाया वो कम बनाया विराट कोहली का हम सलमान खान के साथ नहीं करने जा रहे हैं तो जब जब भी आप कंपेरिजन करते हो ना तो कुछ पैरामीटर्स आपको फिक्स करने होंगे ना भाई कि भाई दोनों क्रिकेटर है तब दोनों में कंपेरिजन करो ना एक क्रिकेटर है एक फिल्म स्टार है एक फुटबॉलर है आप तीनों का कंपेयर करोगे तो ये चीजें होती है जब इसको कम जब इसका निकाला गया हो ना वाई ऑफ स्टील और वाई ऑफ कॉपर जब निकाला किया गया होगा ओके वाई ऑफ स्टील और वाई ऑफ कॉपर जब निकाला गया होगा तो कैसे निकाला गया होगा मैं इस पर बात कर रहा हूँ देखो कैसे निकाला गया होगा ये स्टील है दिस इज स्टील एंड दिस इज कॉपर ठीक है सपोज करो कि इसका एरिया मैं पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर लेता हूं इसका एरिया भी मैं सेम लूंगा मुझे दो वायर आइडेंटिकल वायर चाहिए आइडेंटिकल वायर्स चाहिए ठीक है पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर वो ना और क्या है इसका हाँ रेडियस सेम हो गया रेडियस सेम हो गया ना इसका यंग्स मॉडल मुझे निकालना है मैंने इसमें एक्सटेंशन जो मैं करने जा रहा हूँ एक्सटेंशन दैट इज इस पर आप कुछ फोर्स लगाओगे ठीक है आपने सपोज करो कि एफ एफ ऑफ एफ ये क्या है कॉपर ऑफ स्टील है ना तो एफ ऑफ कॉपर आपने लगाया यहाँ पे और एफ ऑफ स्टील आपने यहाँ लगाया तो स्टील को अगर आप सपोज करो कि इसमें चेंज आया .1 का .001. ये क्या है? This is delta L by L. तो हम चाहते हैं कि कॉपर में उतना ही चेंज आया हम ये चाहेंगे कुछ पैरामीटर आपको फिक्स करने होते हैं तब आप करते हो ना दिस बाई पॉइंट जीरो जीरो हम ये इतना सेम डिफॉर्मेशन के लिए फॉर सेम डिफॉर्मेशन देखो क्या होता है फॉर सेम फॉर सेम स्ट्रेन फॉर सेम स्ट्रेन फोर्स ऑफ स्टील जो होता है ये टू थाउजेंड न्यूटन होता है पॉइंट जीरो जीरो के लिए चेंज के लिए मुझे टू थाउजेंड न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा स्टील वायर में ठीक है और फोर्स ऑन कॉपर कॉपर के लिए मुझे ग्यारह सौ न्यूटन ही अप्लाई करना पड़ता है ठीक है क्लियर अब देखो फोर्स जो होता है ना इसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर यंग्स मॉडल्स कैसे निकाला गया होगा आपने कैसे बोल दिया कि स्टील इज मोर मोर इलास्टिक या स्टील इज मोर मोर इलास्टिक देन कॉपर आपने कैसे निकाला होगा तो आपने बोला कि भाई उसका यंग्स मॉडल ज्यादा आ गया था तो कैसे ज्यादा आएगा क्या मैं एक मैं एक पचास किलो का स्टील ले लूंगा और आधा किलो का कॉपर लूंगा और उसको मैं इलोंगेट करूंगा और फिर पचास किलो का स्टील को मैं इलॉन्गेट करूंगा और फिर मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि भाई इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है इसमें कम फोर्स लग रहा है हमें कुछ पैरामीटर्स फ़िक्स करने होते हैं कंपेयर जब आप करोगे तो कुछ चीज़ों को फिक्स करोगे क्रिकेटर को क्रिकेटर से कंपेयर करना है भाई आज वो अच्छा नहीं खेला आज वो अच्छा खेला ठीक है आज उसने सेंचुरी स्कोर की इसने डक पे जीरो पे आउट हो गया भैया है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो कंपेरिजन होगा लियोनल मैसी के साथ होगा होता है ठीक है उसका आर्नोल्ड स्वाजनगर के साथ हम नहीं करने जा रहे हैं ओके चलो ये पॉइंट वन सेंटीमीटर हाँ, तो क्या किया मैंने एरिया सेम ले लिया मैंने चेंज जो करने जा रहा हूं ना मैं मैं चाह रहा हूं कि दोनों में सेम अमाउंट का चेंज हो दोनों में जो अमाउंट है पॉइंट जीरो जीरो वन का ही चेंज है दोनों में तभी मैं फोर्स अब देखूंगा मैं और मैं फोर्स को देखूंगा कि भाई पॉइंट जीरो जीरो लाने के लिए स्टील में इतना चेंज आया और कॉपर में भी सेम चेंज आ रहा है तो मुझे फोर्स किस में ज्यादा लग रहा है ये मैं देखने जा रहा हूँ लेब मेमलेरिया इसको लैब में एलेरिया का मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो मैंने देखा कि सेम अमाउंट का चेंज लाने के लिए कॉपर में भी सेम अमाउंट और स्टील में भी सेम अमाउंट का चेंज लाने के लिए मुझे फोर्स जो है ना स्टील के लिए टू थाउजेंड अप्लाई करना पड़ रहा है और कॉपर के लिए एलेवन हंड्रेड अप्लाई करना पड़ रहा है ठीक है इन दोनों का ये दोनों पॉइंट सेम है डेल्टा एल वाई एल सेम है दोनों के लिए एरिया दोनों का सेम था ठीक है तो फोर्स जो है तो स्टील का फोर्स ज्यादा रहा था लैब में मैं ये सब लैब में कर रहा हूँ ना मैं लैब में गया था लैब में मैंने किया तो देखा कि भाई पॉइंट जीरो जीरो चेंज करने के लिए दोनों में स्टील को मुझे इतना फोर्स देना पड़ रहा है और कॉपर को मुझे इतना ही फोर्स देना पड़ रहा है तो इससे ये कंक्लूजन निकला इससे ये कंक्लूजन निकला कि यंग्स मॉडल्स ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स ऑफ कॉपर इससे ये निकला कि यंग्स स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर क्लियर चलो भाई बताओ क्लियर स्टील ज्यादा इलास्टिक कैसे हुआ समझ में आया कुछ पैरामीटर हमें सेट करने होते हैं कुछ भी नहीं मतलब कहीं का कहीं नहीं जोड़ना होता है ना कुछ भी मुठा के चलते हैं मोर इलास्टिक देन कॉपर

अरे भाई सिंपल सी बात है ना देखो सर इसका मतलब सिर्फ फोर्स डिफरेंट हाँ, हाँ फोर्स डिफरेंट है ना देखो यंग्स का जो फॉर्मूला आता है देखो अच्छा सवाल पूछ रहे हो देखो अच्छा बढ़िया सवाल ये पूछ रहा है ठीक एल एल है मुझे मुझे वाई ऑफ स्टील और वाई ऑफ कॉपर चाहिए ठीक है तो वाई ऑफ स्टील और वाई ऑफ कॉपर में कैसे निकालूंगा मैं है ना तो मैं क्या करूंगा मेरे पास ये वायर ले लिया ये डेल्टा एल वाई ए लिया सबको कॉन्स्टेंट कर देता हूँ इन तीनों को मैं कॉन्स्टेंट कर देता हूँ दोनों वायर्स के लिए इन तीनों अमाउंट इन तीनों को मैं कॉन्स्टेंट कर देता हूँ एंड देन अगर ये तीनों कॉन्स्टेंट हो जाएगा तब मैं बोल सकता हूँ ना वाई इज प्रोपोर्शनल टू तो एफ बोल सकता हूं ठीक है तो एफ का वैल्यू मैं निकाल लूंगा लैब में जाऊंगा मैं एफ निकाल लूंगा जिसका एफ ज्यादा आएगा उसका वाई ज्यादा आ जाएगा जिसका वाई ज्यादा आएगा वो इलास्टिक ज्यादा हो गया दैट्स वाई स्टील इज मोर इलास्टिकॉपर स्टील कॉपर से ज्यादा इलास्टिक होता है ठीक है और कंपेरिजन करना है तो कुछ चीजें को आपको फिक्स करना होगा ये तो मैं फिक्स कर रहा हूँ एरिया को मैं फिक्स कर दे रहा हूँ चेंज जो स्ट्रेन में आ रहा है स्ट्रेन उसका जो भी चेंज कर रहा है डेवलप स्ट्रेन वॉट इज स्ट्रेन स्ट्रेन का एक और वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है तो बेसिकली इस ट्रेन को मैं डेल्टा एल बाई एल को मैं फ्रैक्शनल चेंज बोलता हूँ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अगेन डेल्टा वी बाई वी जो होगा ना जो बल्क मॉडल के लिए आएगा ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होता है तो इस लैंग्वेज से आप लोग कन्फ्यूज मत करना फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम तो फ्रैक्शनल चेंज अगर परसेंटेज में आप चेंज करोगे अभी इसका वैल्यू पॉइंट जीरो जीरो वन आया है दिस इज डेल्टा एल बाई एल अगर मैं इसका परसेंटेज पूछू ना ये परसेंटेज का सवाल है क्वेश्चन जो आएगा आपका जेई वगैरह में परसेंटेज दे देगा वहां आप कर जाओगे तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है डेल्टा एल बाई एल का परसेंटेज करने के लिए हम पॉइंट जीरो जीरो वन में हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे और हंड्रेड से डिवाइड करेंगे ठीक है ये मेरा बन जाएगा पॉइंट जीरो पॉइंट वन Point, मैं गलती कर रहा हूँ पॉइंट वन और फिर ओके okay, okay. तो ये वैल्यू मेरा कितना हो गया 100 से किया, तो बेसिकली तो कहने का ये मतलब है और ये वन बाई हंड्रेड कहा गया ऊपर वाला ऊपर वाला हंड्रेड का तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें लेकिन ये वन बाई हंड्रेड जो गया ये कहा गया दिस इज परसेंटेज वन बाई हंड्रेड को तो ही वन बाई हंड्रेड को ही तो हम परसेंट बोलते हैं परसेंट दिस इज परसेंट ये आपका क्वेश्चन देगा ना ये देखो जेई का एक क्वेश्चन है वो परसेंटेज दे रखा था आपको परसेंटेज आना चाहिए जेई के क्वेश्चन में परसेंटेज है देखो ये परसेंटेज चेंज पूछ रहा है ना द परसेंटेज चेंज है ना परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है तो इसका आंसर जो भी आएगा ना सपोज करो सपोज करो 5 आ रहा होगा सपोज करो

0.05 को है ना यहां पे 100 0.05 100 आप कर दोगे एंड देन इट बिकम्स परसेंट ये आपका 5% आ गया अगर आपसे परसेंटेज पूछेगा तो ठीक है अगेन आप उल्टा भी कर सकता है उल्टा करेगा देखो उल्टा एक सवाल में उल्टा भी किया हुआ था ये सब आपको भाई मिलने वाले हैं ना ये सब आपको मिलेंगे मिलेंगे आ गया एक और सवाल यही का था जिसमें परसेंटेज पूछ दिया था I think नहीं है वो दूसरी वाली सीट में होगा नहीं है इस वाले सीट में नहीं है यार हाँ ये देखो वाटर भी चेंज कंप्रेसिड बाई ये तो बाई है ना पॉइंट वन ये नहीं है चलो तो वो सवाल है कहीं पे तो बेसिकली मैं परसेंटेज बता रहा था आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है मैं basically percentage बता रहा था। तो जो डिराइव करते हैं ना, तो यहाँ से डिराइव क्या करना है हम से, मिर्ट, मिर्ट समय हैं ना से दिये -दिये करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना इंटीग्रेशन से भागोगे तो कोई सोल्यूशन नहीं है ठीक है मैं प्रूफ कर रहा हूँ देखो ध्यान से समझ में आएगा एक बार हो गया दूसरी बार मैं फिर कर रहा हूँ फिर नहीं समझ में आएगा फिर कभी कर लेंगे लेकिन करना तो है ना समझना तो है ना हमें भागने से तो कोई उपाय नहीं है चलो आ जाओ तो हम करना क्या चाह रहे हैं ठीक है ये हमारा स्टील का वायर है या कोई वायर है ध्यान से समझो पहले टास्क क्या है हमारा टास्क क्या है ये स्टील वायर है इस वायर में मैं एक फोर्स लगाऊंगा ठीक है इसका लेंथ एल है इसका एरिया ए है इसका यंग्स मॉडलर्स वाई दे रखा है मैंने फोर्स लगाया फोर्स लगा करके मैंने इसको एल लेंथ इेट कर दिया ठीक है स्मॉल एल लेंथ से इलोंगेट कर दिया ठीक है क्वेश्चन समझो फिर से समझो ये एक वायर था स्टील का वायर था या जो भी था स्टील का वायर मान लो स्टील का वायर है उसका एक एंड मैंने फिक्स कर दिया दूसरे एंड को मैं इलोंगेट कर रहा हूँ दूसरे एंड को मैं फोर्स लगाना शुरू कर रहा हूँ मैं इसको इलोंगेट करके मैं चाहता हूँ इसका लेंथ इनिशियल एल था अब इसका लेंथ कितना हो जाए एल प्लस स्मॉल एल हो जाए ये मैं ठीक है ये मेरा टास्क है ठीक है मैं डेल्टा एल से इसको इलांगेट करना चाहता हूँ ये एल सॉरी एल एल से मैं इसको इलोंगेट करना चाहता हूँ ठीक है तो सवाल ये है कि इस एल से इलोंगेट करने के दौरान मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा ये मुझे निकालना है गेटिंग इस एल को इलांगेट करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा इस वायर पे यही मैं निकालना चाहता हूँ ठीक है तो अब ये एल को मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ इतना बड़ा दिखा रहा हूँ ना ये एल ये इतना बड़ा एल नहीं होता है ये पता चला कि जो ये एल था ना उसके करीब करीब आ गया तो इतना बड़ा नहीं होता है ये छोटा होता है ये एल बहुत छोटा होता है मैं मैं बड़ा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है चलो इसको शुरू करते मैं तो सिंपल सा है एक सिंपल देखो क्या किया गया आपने फोर्स लगाया इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट एल हुआ होगा ये वायर खींच करके यहाँ तक चलाया ना ये वायर जो था ये यहाँ तक चला आया तो फोर्स आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एल पता है ठीक है? Yes. तो है. है. है इसको ले जाकर ओवर में जो है ना ओवर में जो रॉड डालोगे ना आयरन बार का वो इसी मॉडल पे ले जाकर डाल देना नेताजी उद्घाटन करने आएंगे उद्घाटन का समय ही ये पुल टूट जाएगा अगर ऐसा कुछ निकाल के जाओगे तो ठीक है ये गलत है ऐसे नहीं निकलता ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैं कर सकता था ठीक है इसके अनुसार आपने क्या किया उस ब्रिज को आपने ढाल दिया होगा बिल्डिंग आपने बना दी होगी भाई ये इतना 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 हम इतना वर्क करेंगे इस पे एफ इंटू एल और इस वर्क को आप करोगे वो काम करेगा नहीं वो फीता काटने आएंगे नेताजी वो बह जाएंगे पानी के साथ है। क्योंकि ये गलत है देखो इसको कैसे करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट नहीं करेंगे हम क्यों नहीं करेंगे मैं इसका पूरा प्रूफ बताऊंगा क्यों नहीं करेंगे ठीक है मैं पूरा डिराइव करूंगा आखिर ये डायरेक्ट मैंने क्यों नहीं किया सवाल ये उठता है इसको डायरेक्ट मैंने क्यों नहीं किया ठीक है ओके लड्डू लड्डू नया आया है क्या क्लास में पहली बार आ रहा है क्या मेरी क्लास में पहले देखा नहीं हूं भाई आ जाओ फोर्स ओके गुड एंजॉयिंग लड्डू अरे फिजिक्स बहुत इंजॉयल है यार फिजिक्स जैसा तो कुछ सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स और उसके साथ मैथ्स मतलब ये जो डेडली कॉम्बो है ना मतलब दुनिया में इससे बड़ा तो कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं है यार तबाही मचा देता है फिजिक्स और मैथ आ जाओ फोर्थ इंटू डिसमेंट आते हैं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा बेसिकली वर्क uh, का फॉर्मूला अगर आपने सबसे बेसिक फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो फोर्स इनटू यस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक है ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था ठीक है ये स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट डी के लिए एक स्मॉल सा वर्क डी होता था ठीक है और इसी को जब आपको लेंथ uh, ज्यादा हो जाता था यानी आपको दूर तक वर्क uh, निकालना होता तो आप इंटीग्रेशन लगाते थे ठीक है इस इंटीग्रेशन में इस इंटीग्रेशन में अगर ये फोर्स कांस्टेंट होगा ना इफ एफ इज कांस्टेंट देन इज दिस एफ कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन अगर ये एफ कांस्टेंट होगा इफ दिस एफ इज कांस्टेंट तो ये एफ इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा अगर एफ कॉन्स्टेंट होगा तो तो इसका आंसर देखो कितना आसान हो जाता है एफ बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है एफ इंटू एक्स एक्स की जगह एल पुट कर दो दिस इज वर्क डन ये कब है व्हेन एफ इज कॉन्स्टेंट ठीक है तभी तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लेके गए हम

इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यह कांस्टेंट क्यों नहीं होता है ठीक है देखो चलो आ जाओ अब इसका प्रूफ देखते हैं <coughs> आपको है आपको कहा था यार मैं कहां था मैं हाँ, मैं मैं था था क्या कर रहा था? मैं फोर्स को हाँ। चलो देखो हाँ याद आ गया ये मेरा वायर है ठीक है ध्यान से देखो इस वायर को मुझे मुझे इस वायर को एल तक लेके जाना है एल तक लेके जाना है एल तक लेके मुझे जाना है इस वायर को ठीक है Uh, इसका जो uh, इसका जो इनिशियल कंडीशन था वो एल था एरिया ए था यंग्स यंग था इसको मुझे एल तक इलांगेट करना है मैं फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हूं ठीक है सपोज करो कि पहले मैंने इसको x तक हल्का एक डिस्टेंस x तक मैं ले गया इसको f को मैं साइड करता हूं अभी f को मैं साइड करता हूं ठीक है सपोज करो कि इसको मैं x तक खींच करके ले आया x तक कितना x डिस्टेंस मैंने इसको इलांगेट किया बाई अप्लाइंग ठीक है, Clear? Clear? चलो एक्स जब मैं इसको इलोंगेट कर दूंगा तो इसमें डेवलप स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेस कितना डेवलप करेगा Force मुझे पता है, लगा रहा था मैं और इसमें इसका एरिया जो था ना वो ए था ठीक है इसमें स्ट्रेन कितना डेवलप करेगा एक्स मैंने खींचा इसको मैंने एक्स खींचा है ना एक्स खींचा है एक्स तक इसको इलांगेट किया है और इसका ओरिजिनल लेंथ जो था वो कैपिटल एल था इसका यंग्स मॉडलर्स कितना हो जाएगा भाई मैं अभी ये प्रूफ करूंगा कि इसका फोर्स वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है वाई न, एल ऊपर जाएगा वाई एक्स बाई ए इन एल आएगा ये मेरा फोर्स आया ठीक है ये फोर्स आया क्या दिख रहा है क्या फोर्स आया क्लियर यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ मैंने एक एल लेंथ का वायर ले रखा है एल लेंथ के वायर को मुझे स्मॉल एल लेंथ तक उसको इलोंगेट करना है ये मेरा टारगेट है दिस इज माय टास्क और इस स्मॉल लेंथ को इलोंगेट करने में आपने कितना वर्क लगाया ये मुझे निकाल के बताओ दिस इज अ क्वेश्चन इस स्मॉल लेंथ एल को खींचने में आपने कितना वर्क किया ये मुझे बताओ दैट इज द क्वेश्चन वो मैं भी निकाल रहा हूँ ठीक है तो मैंने बोला कि भाई फोर्स मुझे पता है एल पता है एफ इंटू एल कर दो दिस इज द वर्क बट ये गलत है ठीक है क्योंकि ये जो फोर्स होता है ना ये वेरिएबल होता है तो मैं वही प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो फोर्स वेरिएबल कैसे होता है वो मैं देखना चाह रहा हूँ ये देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है फोर्स फोर्स की वैल्यू यहां पे क्या आई देखो तो फोर्स बराबर वाई बाई ए एल इन टू एक्स है क्या नहीं ए नीचे आएगा ना ये ए जो है ना ये वाला ए जो है ना ये डिनोमिनेटर में जाएगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा लड्डू वो सही है वो डिनोमिनेटर में जाता है कैसे होता है देखो कैसे होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ देखो कैसे होता है देखो देखो ये बेसिक है अच्छा अच्छा सवाल है ये ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी होता है ना तो इसको मैं ए बाई बी लिखता हूँ और सी रहता है और ये डी जो होता है ना ये ऊपर चला जाता है

अरे नहीं नहीं सही हाँ ए ऊपर आएगा एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं लड्डू सही बोल रहा है सही बोल रहा है लड्डू सही बोल रहा है ए ऊपर आएगा ए ऊपर आएगा और, और क्या जाएगा ए ऊपर आएगा ना बस ना और कुछ तो नीचे नहीं जाएगा ना लड्डू बताओ ए ऊपर आएगा ठीक बोल रहा है भैया गुड गुड थैंक यू थैंक यू हाँ वाई तो ये होगा वाई हाँ वाई होगा तो फिर ये ए जो है ना यार इसको और एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ आ जाओ इसको और तोड़ के बनाते हैं आ जाओ आ जाओ दिक्कत हो रही है सबको इसको और तोड़ लेते हैं कोई बात नहीं है अभी बहुत टाइम है अभी तो इतने में तो यार ये होता है ना देखो इसको कैसे लिखते हैं ये जो है ना एफ बाई ए होता है इन टू ये जो पूरा डिनोमिनेटर जो है ना ये उलट जाता है ठीक है तो ये कैसे हो जाता है ये एल ऊपर चला जाता है और एक्स नीचे रह जाता है उलट गया ना ठीक है ये होता है ठीक है ये क्लियर है चलो यहां से अब मैं आ, एफ को मैं निकालना चाहूं तो एफ क्या आएगा बताओ एफ बराबर वाई ए एक्स वाई एल क्लियर है ये तो क्लियर है अब क्लियर हो गया अभी किसी को डाउट है बताओ किसी को डाउट है तो अभी मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा बताओ बताओ भाई और बताओ शिवम शिवानी चेष्टा बताओ हर्षिता क्लियर है क्या अंकिता बताओ सभी बताएं भाई क्लियर है ओके okay. संध्या ठीक है ना संध्या क्लियर है ना जबरदस्ती का मत समझना भाई मैं इतना तोड़ के मैं बता रहा हूँ क्योंकि तो आपका इंटीग्रेशन में भी कुछ हेल्प हो जाएगा अगर मेरे कुछ मेरी बातें कुछ समझ में आ जाएंगी तो इंटीग्रेशन में भी हेल्प हो जाएगा ठीक है ये आ गया अब यहां से देखो ये तीनों टर्म्स कॉन्स्टेंट है ना ये तीनों टर्म हमारा कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट है क्या वाई जो होगा वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा वाई जो होगा वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा हो हो ना और ए जो है वो क्या है ए क्या एरिया है एरिया सेम रहेगा एल जो आपने डिसाइड कर लिया होगा एल लेंथ जो भी आपने लिया होगा आपने डिसाइड कर लिया होगा भाई पा, मैं पांच मीटर का मैं एक स्टील वायर लिया हूं ठीक है तो ये कॉन्स्टेंट हो गया तो अल्टीमेटली एफ क्या आया दिस इंप्लाइज एफ बराबर के एक्स ठीक है ना दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ठीक है एफ इज वेरिएबल यहां से क्या आया एफ वेरिएबल है एफ वेरिएबल मतलब रखी है एफ इज प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या है जैसे आप जैसे आप एक्स बढ़ाओगे वैसे तो वैसे वैसे। आप, वैसे वैसे आपको एफ बढ़ाना पड़ेगा एफ कॉन्स्टेंट रहा कहा? कहांटेंट एफ तो वेरिएबल हो गया यस yes. जैसे एक्स बढ़ाओगे अगर अभी अगर अभी, अभी आप देखो ये स्प्रिंग है समझो ये स्प्रिंग है ठीक है सेम स्प्रिंग में भी ये फोर्स काम कर रहा होता है स्प्रिंग को आपने यहा, यहां यहां लिया ध्यान से समझो इसको स्प्रिंग को यहां तक लाने में आप दस न्यूटन आपने खर्च किया और स्प्रिंग को सपोज कर लो कि आप ये स्प्रिंग को फाइव प्लस फोर मीटर हो जाए मैं चाहता हूं कि स्प्रिंग फाइव प्लस फोर मीटर हो जाए तो क्या अभी भी आप दस न्यूटन ही लगाओगे क्या नहीं अब आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा अगर आप इलोंगेशन डबल कर रहे हो तो आपको फोर्स भी डबल करना पड़ेगा ट्वेंटी न्यूटन दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्सनैलिटी मैंने सॉल्व किया हुआ है अगर आप इलोंगेशन टू मीटर का लगा रहे हो और फोर्स आपने दस न्यूटन का लगाया था और अगर आप ये अग, और अब अगर आप ये चाहते हो कि इलोंगेशन मेरा फोर टाइम्स डबल हो जाए तो आपको फोर्स भी डबल लगाना पड़ेगा दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्सनैलिटी फोर्स कॉन्स्टेंट रहा फोर्स इज़ वेरिएबल। अगर आप चाहते हो कि अब जो है ना ये ट्वेंटी हो जाए इलोंगेशन चार के बाद ट्वेंटी मीटर का हो जाए यानी कि आपने इसको फाइव टाइम्स कर दिया तो आपको फोर्स भी ना फाइव टाइम्स करना होगा दैट इज हंड्रेड न्यूटन करना पड़ेगा दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्सनैलिटी ठीक है अगेन अगर इसको आपने फाइव टाइम्स कर दिया सपोज करो कि अब आप हंड्रेड मीटर का भी लॉन्गेशन करना चाह रहे हो ठीक है तो आपको फोर्स भी उसी प्रोपोर्शनल में लगाना पड़ेगा यानी कि अब आपको फोर्स फाइव हंड्रेड न्यूट्रन का अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स कॉन्स्टेंट रहा कहाँ फोर्स तो हर हर बढ़ते डिस्टेंस के साथ फोर्स चेंज करना पड़ रहा है ना मुझे दो मीटर के लिए मैं दस न्यूटन लगा रहा हूं अगर मुझे चार करना है तो मुझे बीस लगाना पड़ रहा है अगर मैं बीस बीस मीटर का इलोंगेशन में चाहता हूं तो मुझे सौ न्यूटन लगाना पड़ रहा है फोर्स वेरिएबल कहाँ फोर्स कॉन्स्टेंट रहा कहाँ फोर्स इज वेरिएबल ठीक है ये प्रूव हो गया फोर्स वेरिएबल मेरा है ना एज फोर्स इंक्रीजेस एज एज एक्स इंक्रीजेज एफ इंक्रीजेज जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे एफ बढ़ेगा फोर्स मेरा वेरिएबल फोर्स मेरा वेरिएबल हो गया अगर फोर्स मेरा वेरिएबल हो गया तो आपका जो बेसिक आपका जो बेसिक था डिफिनेशन डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स आपने F, F को बाहर निकाल दिया था डी एक्स को आपने एल कर दिया था दिस इज़ वर्क डन यही था ना लेकिन अब आप इस फोर्स को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला सकते हो यही प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है ये मेरी मजबूरी है अब अब मैं एफ को इंटीग्रेशन के बाहर मैं नहीं ला सकता हूं अब मुझे इंटीग्रेशन पे जाना ही पड़ेगा क्लियर तो अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ये इसका कंक्लूजन था आखिर फोर्स को मैं इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट एफ इन ट्वेल्व मैंने क्यों नहीं कर दिया भाई क्योंकि एफ जो है वो वेरिएबल है मैं उसको नहीं निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन के बाहर भाई मेरी मजबूरी है क्योंकि एफ डिस्टेंस के साथ डिपेंड कर रहा है सोचो ना रस्सी को सोचो ना आप, आपने रस्सी को हल्का इलोंगेट किया था तो आपने कुछ फोर्स लगाया होगा सपोज करो अगर आप इस रस्सी में और इलोंगेशन करना चाहते हो ना तो अब अब आप जो पहले फोर्स लगा रहे थे आपको उससे बढ़ा के फोर्स लगाना पड़ेगा ये रियल लाइफ में आप फील कर सकते हो सेम रस्सी ले लो घर में आपके यहाँ कोई भी रस्सी होगी तो उस रस्सी को आप इलोंगेट करो तो आप एक न्यूटन लगाए अगर आप फर्दर इसमें चाहते हो कि फर्दर इसमें इलोंगेशन हो तो आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ठीक है अगर आप चाह रहे हो और इलोंगेशन हो तो आपको और फोर्स लगाना पड़ेगा तो फोर्स इज वेरिएबल फोर्स कॉन्स्टेंट रहा कहाँ ठीक है आ जाओ अब इसको इंडिकेट करना आंसर आ गया बस यही समझाने के लिए मैं फोर्स वेरिएबल है समझाने के लिए मैं इतना कुछ बता रहा था कि हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती क्यों है ठीक है अब तो आसान हो गया अब तो बस चलो चलो देखो आंसर आ गया अब मेरा फोर्स का वैल्यू क्या आया वाई ए बाई एल इंटू एक्स आया ठीक है ये आया फोर्स आ गया ना ये फोर्स यहां तक क्लियर है फोर्स कैसे आया फोर्स इज वेरिएबल और ये कांस्टेंट नहीं है हमारा ठीक है और ये क्या है? ठीक है ये कॉन्स्टेंट नहीं है मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले जा सकता हूं चलो अब वर्क डन का formula क्या होता है हाँ, इसके बाद ठीक है फिर हो गया ये x के लिए हो गया तो अब अब मैं कैसे निकालूंगा तो अब मैं कैलकुलस यूज करूंगा अब मैं कैलकुलस यूज करूंगा कैलकुलस क्या कहता है कैलकुलस बोला कि अब आप इस जो x तक आप लेकर के आते इसमें अब एक छोटा सा इलागेशन और आप करें छोटा सा इसमें इसको थोड़ा सा और आप खींचे इसको डीएक्स तो कैलकुलस ये बोलता है मुझे क्या बोला, ने बोला जो डन होगा हमने स्मॉल d लगा रखा है छोटा एलिमेंट में वर्क डन हो रहा है तो छोटा d मैंने मान लिया ये मेरा कैलकुलस बोला कैलकुलस बोला कि इस एलिमेंट के लिए dx के लिए ये वर्क डन होगा दिस इज वर्क डन क्लियर लेकिन अब अगर आप इसको जीरो से लेकर के एल तक इंटीग्रेट करना एल तक इलोंगेट करते जा रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन जीरो ल, एफ की वैल्यू पुट करो एफ डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा जीरो से डब्ल्यू चलो भाई एफ का वैल्यू पुट करो वाई ए वाई एल इंटू एक्स का इंटीग्रेशन जीरो टू स्मॉल एल ये स्मॉल एल होगा यार ये में क्यों लिख रहा हूं। यही मेरा टास्क था ना चलो क्वांटिटी कांस्टेंट है।, है ना यंग्स मॉडल का एरिया स्टील का फिक्स है स्टार्टिंग में जो लेंथ लिया था ना वो फिक्स है अगर आपने पांच मीटर दस मीटर पचास मीटर जो भी लिया होगा रेडियस आपने जो भी लिया होगा यंग्स मॉडल तो अगर आपने एक मेटल ले रखा है ना तो उस मेटल का यंग्स मॉडल फिक्स होता है वो वेरी नहीं करेगा मेटल मटेरियल पे डिपेंड करता है यंग्स मॉडुलस बट वो फिक्स होता है चलो अब इसको बाहर निकाल लो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं अब क्या-क्या बच गया भाई मेरे पास x dx इसका इंटीग्रेशन मुझे कहां से कहां तक लेके जाना है जीरो से l तक ले जाना था यही मेरा टास्क था तो x dx का इंटीग्रेशन जो होता है ना x dx का इंटीग्रेशन अगर किसी को नहीं पता है तो x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होता है यस yes, राइट right. चलो आ जाओ डी डब्ल्यू जीरो से डब्ल्यू तक पुट करोगे तो डब्ल्यू आएगा ये डब्ल्यू बराबर वाई ए बाई एल को बाहर निकाल चुका हूं मैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू आया जीरो से एल पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं ठीक है तो वाई ए बाई एल अपर लिमिट में पुट करूंगा तो एल स्क्वायर बाई टू लोअर लिमिट पुट करूंगा तो जीरो आ गया वाई ए एल स्क्वायर बाई टू एल ठीक है तो मेरा आ, वर्क डन कितना आया हाफ इंटू वाई ए एल स्क्वायर बाई एल दिस इज द आंसर ये वर्क डन है ठीक है और ये पूरा का पूरा वर्क डन जो मैंने किया जो एक एक्सटर्नल फोर्स ने किया था ये एक्सटर्नल फोर्स था ना ये हम और आप अप्लाई कर रहे थे ना इसको ये पूरा का पूरा वर्क डन उस स्टील के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है जिसे मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूँ ठीक है स्टोर्ड स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर यही मुझे फाइंड आउट करना था मैं निकाल रहा हूं वर्क डन मैंने निकाला उस उस स्टील को स्मॉल लेंथ एल से इलांगेट करने में मुझे कितना वर्क करना करना पड़ा मैंने ये निकाला लेकिन मेरे द्वारा किया गया सारा का सारा वर्क डन उस स्टील रॉड में स्टोर हो जाता है एज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है चलो अब आपने बहुत जगह फॉर्मुला देखा होगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू एस्ट्रेन तो इसको मैं वहां तक क्यों ले जाऊंगा कोई जबरदस्ती है क्या नहीं ये आपका आंसर है ये फाइनल आंसर है लेकिन वहां तक मैं क्यों ले जाता हूँ इसको सजाऊंगा धजाऊंगा और इसको जो है ना वहां तक मैं लेके जाऊंगा ठीक है स्ट्रेस स्ट्रेन फॉर्म में मैं लाऊंगा कोई जबरदस्ती है क्या ले जाना कोई जबरदस्ती नहीं है आंसर आपका आ चुका है चलो आ जाओ हाफ इंटू वाई ए बाई एल एल स्क्वायर ठीक है थोड़ा सजाते जाते हैं उसके लिए क्या करेंगे हम उसके नोमिनेटर में भी मैं एल से मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर में भी मैं एल से मल्टीप्लाई करूंगा जबरदस्ती है करना क्या कोई जबरदस्ती नहीं है आंसर यहाँ पे आ गया है ना आंसर यहाँ पे आया हुआ है मैं इसको एक अच्छे फॉर्म में लाना चाहता हूँ बस कोई जबरदस्ती नहीं है नहीं माने मत लाओ बट ये पूछ देगा तो लाना पड़ जाएगा यार ठीक है <laughs> कोई जबरदस्ती नहीं होता ये चलो इस ए को मैं एक बार इसके साथ देखो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ मैं इसको बस रीअरेंज कर रहा हूँ वाई एल वाई एल 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 और ए इंटू एल ठीक है चलो आ जाओ ये जो है ना दिस इज योर स्ट्रेस दिस इज योर स्ट्रेन दिस इज योर वॉल्यूम यस दीपक आपका डन आ गया यही डन क्या होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है सेम वर्क यही वर्क आपका उस रॉड में पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हाँ यस टास्क इज कंप्लीटेड गुड तो ये आ गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम दिस इज योर आंसर ओहो ठीक है चलिए ये आंसर आ गया आई होप इस बार थोड़ा क्लियर हुआ होगा लास्ट टाइम से Isn't? चलो भाई बताओ कोई डाउट है तो कहीं भी कोई डाउट है तो पूछो अरे जबरदस्त थैंक यू थैंक यू लड्डू चलो भाई और कोई है तो बताओ भाई पूछो एनीवन संध्या एंजॉयड ओहो गुड अरे फिजिक्स तो बहुत ही इंजॉयबल है यार फिजिक्स के साथ जो मैथ आता है ना मतलब इस दुनिया में इतना डेडली कॉम्बो तो कोई है ही नहीं फिजिक्स और मैथ का ओके शिवानी थॉर बताओ भाई थॉर अंकिता क्लियर है चेष्टा पलक नरेंद्र शिवम ओके पलक ठीक है गुड कितना टाइम हो गया भाई पांच मिनट ही तो एक्स्ट्रा हुआ है यार अभी तो बहुत टाइम है <laughs> माय गॉड यार बच्चे ना माय गॉड ठीक है ठीक है शिवम संध्या हिमांशु बताओ भाई सबके क्लियर है कोई डाउट है तो पूछो बे बेझिझक पूछो किसी को कोई डाउट है मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा कोई भी स्टेप में अदरवाइज uh, otherwise... नहीं 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 आप समझे नहीं ना देखो तो देखो तो इसलिए तो ये नहीं नहीं सुनो 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 लड्डू लड्डू ठीक है लड्डू ओके जो भी ये पूछ रहा है इसलिए तो मैंने इसको स्ट्रेस के फॉर्म में दिया है मैंने इसमें फोर्स तो कहीं लगा ही नहीं रहा हूं ना फोर्स तो कहीं दिया ही नहीं है आपको मैं आपको स्ट्रेस दूंगा स्ट्रेन दूंगा और वॉल्यूम दूंगा क्लियर फोर्स इसमें है क्या फोर्स का टर्म ही गायब हो गया देख रहे हो फोर्स का टर्म ही गायब कर दिया मैंने कितना मैं हूं देखिये दिमाग यहाँ पे कहीं फोर्स है क्या इसमें कहीं एफ दिख रहा है क्या बताओ भाई इसमें कहीं एफ दिख रहा है क्या आपको एफ मैं दूंगा ही नहीं आपको क्लियर है यार ऐसे ही थोड़े न आ गया ये बताओ भाई और कोई एनी वन दो तीन लाइन के फिजिक्स पांच छह लाइन के मैथ आदमी खत्म <laughs> अरे चलो भाई ठीक है गुड सर आप तो मैं जीसी हूँ अरे यार लड्डू <laughs> थैंक यू थैंक यू चलो भाई और कोई है तो बताओ अंकिता समझ में आ रहा है अंकिता कोई स्टेप है तो पूछो अरे क्या ही कितना औकात है इसका क्या क्या पूछेगा देखो तुमको इंटीग्रेशन में कितना आसान से यस देखो इंटीग्रेशन मैंने मैंने कितना इजी वे में, में बता दिया आपके मैथ्स के टीचर भी हमको लगता है कैलकुलस में इतना इजी वे में, में नहीं समझाया गया होगा इंटीग्रेशन को क्या यार सबका क्लियर है क्या मैं सच में अच्छा पढ़ाता हूँ कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है चेष्टा बताओ आपका क्लियर है चेष्टा ओके शिवानी आपका अंकिता अंकिता का कुछ नहीं आ रहा है अंकिता बताओ हर्षिता हिमांशु ओके हिमांशु देखो क्वेश्चन करवाने के लिए तो सीधा करवाएंगे ही मानसू लेकिन प्रॉब्लम है कि ये फार्मूला डिराइव तो मुझे करना था ना ही मानसू फार्मूले को तो मुझे डिराइव करना ही था कैसे फार्मूला तो मैं डायरेक्ट आपको तो ये फॉर्मूला पर नहीं ला सकता हूँ ना वर्क डन इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम लास्ट क्लास में मैंने कोशिश की थी बट किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे लगा कि चलो भाई इस बार थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं लास्ट क्लास में मैंने कोशिश की थी इसको इस डिराइव uh, किया हुआ है मैंने बट किसी को समझ में नहीं आया था लास्ट क्लास में मैं देख रहा था लास्ट क्लास में बट इस बार थोड़ा सा मैंने और ज्यादा कोशिश की है और मुझे लगता है कि हाँ कुछ लोग कुछ ज्यादा समझ में आया है इस बार पिछले बार से बट आप लोग प्रैक्टिस करो इसको एक बार दो बार चार बार आठ बार दस बार पंद्रह बार बनाओ तो आएगा समझ में ओके okay, नरेंद्र शिवम आपका क्लियर है चलो फिर ठीक है बाकी आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया आज

तीन क्लास में बोला गया है कि भाई जाके खत्म करके आओ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ से खत्म होगा तीन क्लास में तो <laughs> मतलब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चाहते हैं क्लास एक्स्ट्रा हो लेकिन हो नहीं रहा है तो सोच रहा हूँ संडे वगैरह को हाँ डीपी मिलेगा हिमांशु वो तैयार हो रहा है मैंने बात किया मैं आज ही मीटिंग में मैंने इसको अरेज किया था डीपीपी मिलेगा हिमांशु बट बेसिकली देखो फोटोन कैटलिस्ट को तैयार होने दो फोटोन कैटलिस्ट को तैयार होने दो फिर सब कुछ मिलेगा ठीक है ना थोड़ा आपका कौन सा लिंक ग्रुप है लड्डू बताओ लिखो आप मैसेज टाइप करो कौन सा लिंक कौन सा ग्रुप है ठीक है आपका 20 तारीख को फोटोन है संडे को तो इस संडे को तो आपका फोटोन टेस्ट है संडे को आपका टेस्ट जो होने वाला है ना टेस्ट आपका जो होने वाला है वो मॉर्निंग 9 से लेकर के 11:30 थर्टी पी पीएम तक है ओके लड्डू ठीक है मॉर्निंग नाइन से इलेवन थर्टी पी एम तक है रात को साढ़े ग्यारह बजे तक आप टेस्ट दे सकते हैं टू आवर का टेस्ट है और ट्वेंटी क्वेश्चन और ट्वेंटी क्वेश्चन जैसे ही आप एग्जाम फिनिश करोगे वैसे ही आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा जैसे ही आप एग्जाम फिनिश करोगे आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा इंस्टेंटली एग्जाम फिनिश करते के साथ ठीक है और अकॉर्डिंगली एक वीक में आपका फोटोन और कैलकुलस या एमसीक्यू है ठीक है आप कभी भी नौ बजे सुबह से लेकर के रात को साढ़े ग्यारह बजे तक हाँ और भी सभी क्लास होती है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी नौ से साढ़े ग्यारह पीएम तक होगी दो आवर का होगा बीस बीस ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे ट्वेंटी क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट इधर पी सी एम और पी सी बी ठीक है आप हाँ ठीक है एक बार जब आप इस लिंक को ओपन कर दोगे ना एक बार जब आप टेस्ट स्टार्ट कर दोगे देना स्टार्ट का वहां पे एक ऑप्शन आएगा ठीक है एक बार जब उसको आप स्टार्ट कर दोगे तो अब वो टेस्ट आपको दो आपको देना ही है फिर वो टेस्ट दोबारा आप इसको पॉज करके या करके आप हाँ सबका अलग लिंक आएगा ओके लड्डू हाँ ज्वाइन करो लड्डू वेरी गुड ज्वाइन करो बहुत अच्छी बात है यार सारे टीचर्स अच्छे हैं भाई मैथ्स बायोलॉजी सब अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आप ज्वाइन करो पढ़ो ठीक है एक बार जब आप टेस्ट स्टार्ट कर दोगे नौ बजे दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ बजे रात को ग्यारह बजे तक

क्लियर जैसे ही आप टेस्ट फिनिश करोगे आपका आंसर शो कर देगा वो या बैकग्राउंड में हाँ पीछे में जो है ना टाइम काउंट होता रहेगा टू आवर्स जैसे ही आपने स्टार्ट किया ना उसके बाद तो आपका काउंटिंग स्टार्ट हो गया दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि भाई मैं इसको पॉज कर दूं मैं इसको स्टॉप कर दूं दूँ फिर से स्टार्ट करूं ऐसा नहीं होगा एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वो अब आपका हो गया मतलब आपने हम ये मान के चलेंगे कि आपने वो अटेम्प्ट कर लिया क्लियर

यानी अभी आप पर डे हमारी एक क्लासेस ले रहे हो आगे चल के आप पर डे हमारी दो क्लासेस ले सकते हो आपके पास ये ऑप्शन होगा दो क्लासेस का ऑप्शन होगा तो मैं तो चाहूंगा कि आप दो क्लासेस ही आप चुनना अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप वन चुन सकते हो हाँ एग्जैक्टली सी वन फॉर क्वेश्चन हल्के हल्के क्वेश्चन है यार, इतना कुछ नहीं है हल्के हल्के क्वेश्चन है भाई मतलब उसके लिए पूरा जाके सिलेबस मत पलटने लगना आराम से इजी वे में टेस्ट दो ठीक है एकदम कूल होकर टेस्ट देना है फोटोन कैटलिस्ट कुछ अलग नहीं है फोटोन में सब टीचर्स पढ़ाएंगे कैटलिस्ट में सब पढ़ाएंगे भाई आप लोग को उस समय बताया गया होगा कि फोटोन कैटलिस्ट में थोड़ा सा अंतर है कि फोटोन में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा करवाएं प्रैक्टिस ज्यादा करवाएं और कैटलिस्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम बेसिक से शुरू करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ाई देर से स्टार्ट किए हैं जिन्होंने तो उनको तो भाई स्पेशल अटेंशन चाहिए तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ ठीक है चलो फिर क्लास ओवर ठीक है कोई डाउट तो है नहीं किसी को इसके नोट्स में अभी आपको सेंड करता हूँ एक दो घंटे में या फिर इवनिंग में या दो दो ग्रुप्स हैं लड्डू दो ग्रुप्स हैं बाय 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 ऑल जिनको लीव करना वो कर है वो लीव कर सकते हैं ठीक है चलो ठीक है ठीक है थैंक यू थैंक यू सर मैं किसमें हूं लड्डू टेस्ट देना होगा ना संडे को आपके पास एक लिंक आएगा टेस्ट का संडे को इस संडे को एक लिंक आने वाला है टेस्ट का उस टेस्ट को आप दो अपियर हो उसमें और आपका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी फोटोन और कैटलिस्ट की बैच बनने वाली है उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा या तो आप एक घंटे का एक पर डे वन क्लास चुन लो या तो आप पर डे दो क्लास चुन लो वो आपको चुनना है कि आप पर डे हम एक, एक घंटा मेरे पास आओगे अवंती के पास या पर डे आप दो घंटे के लिए आओगे ठीक है चलो थैंक यू कोई डाउट नहीं है ना मैं लीव कर रहा हूँ मीटिंग ओके ओके लड्डू ठीक है चलो थैंक यू थैंक यू दीपक थैंक यू लड्डू एंड बाय 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 थैंक यू थैंक यू